तो आज हम लोग टच करते हैं पे ट्रेडिंग पे। पे ट्रेडिंग क्या है, आपको सुन के क्या लग रहा है, पे ट्रेडिंग क्या है? सर, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना। फैंटास्टिक, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना, एक में एक पोजीशन लेना और दूसरे में काउंटर पोजीशन लेना। ओके। हाँ, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है और मुझे ये खराब लग रहा है, तो मैं जो अच्छा लग रहा है वो ले लूंगी और जो खराब लग रहा है वो बेच। राइट, ठीक है। दो तरह के पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल पे ट्रेडिंग और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ट्रेडिंग। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल पे ट्रेडिंग, आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीखा होगा। हाँ सर। मीन डेविएशन क्या बोलता है कि देखो भैया, हर चीज का एक मीन होता है और बहुत ज्यादा ये मीन से दूर जाएगा ना कुछ, तो चांस है कि ये वापस मीन की तरफ आ जाए। ठीक है, विच इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बरोबर है। तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप जो है, जिसको आप डिवाइड कर लो, डिविजिबल कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, HDFC बैंक और ICICI, ये दोनों रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। राइट, सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑब्वियसली जब आप रिलेशनशिप निकालने की बात करते हो तो सिमिलर लोगों के साथ ही निकालते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मुकेश भाई के साथ हमारा रिलेशनशिप निकालोगे, अरे भैया वो कहा हम कहा। हाँ, बट हम अपने मित्र के साथ तो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पे ट्रेडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, जैसे बैंकिंग स्टॉक्स रिलेटेड हो गए, FMCG अपने आप में रिलेटेड हो गए, या फार्मा काफी हद तक अपने आप में रिलेटेड हो गए। पे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मार्केट रिस्क को जीरो कर देते हैं, लिटरली। कि सपोज कोई रीजन से मार्केट में घनघोर मंदी आ गई और आपने एक ले रखा और दूसरा बेच रखा है, क्या ले रखा है, स्ट्रांग ले रखा है, और क्या बेच रखा, वीक बेच रखा है, तो जब मार्केट गिरेगा तो स्ट्रांग भी गिरेगा। राइट। हाँ, लेकिन वीक ज्यादा गिरेगा। हाँ, तो क्योंकि आपने स्ट्रांग लेके वीक बेच रखा है, और क्योंकि वीक ज्यादा गिरना चाहिए तो नेट में आपके पैसे बनेंगे। राइट राइट। सो यू आर बेसिकली नलीफाइंग द मार्केट रिस्क बाय ट्रेडिंग पेयर। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर धीरे धीरे आपको वो पे ट्रेडिंग जोन में जाना ही पड़ेगा, बिकॉज पे ट्रेडिंग का जो एडवांटेज है, मार्केट रिस्क को नलीफाई कर देता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एग्रीड? ठीक है। आप तो चाहेंगे ना वो सिचुएशन जहां पे मार्केट रिस्क नलीफाई हो जाए, बिकॉज रात को सोना चाहती हूँ मैं HDFC नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लिया और मैंने वीक स्टॉक बेच दिया, दैट शुड बी सफिशियंट फॉर माई जर्नी एज अ पे ट्रेडर। राइट राइट। अब पे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, आप कैश मार्केट में अगर करते हो तो शेयर आप ले तो लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक, पर जो वीक स्टॉक है उसको बेचोगे कैसे? शॉर्ट सेलिंग, वो तो इंट्राडे हो सकता है। हाँ सर। ओवरनाइट कैसे होगा? सो ऑप्शंस। ऑप्शंस, तो इसका मतलब कैश मार्केट में पे ट्रेडिंग होना डिफिकल्ट। राइट। आपको या तो फ्यूचर्स के थ्रू करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, या आपको ऑप्शंस यूज करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। राइट। एक काम कर सकते हैं, कैश मार्केट में आप लेने का काम कर सकते हैं और ऑप्शंस में बेचने का काम कर सकते हैं। राइट राइट। ठीक है। हाँ, तो पे ट्रेडिंग जैसा कि काम मैंने कि स्टैटिस्टिकल पे ट्रेडिंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ट्रेडिंग हुआ। स्टैटिस्टिकल पे ट्रेडिंग बिलीव करता है कि कोई चीज अगर मीन से बहुत दूर चला गया है तो चांसेस है वो मीन के पास में आएगा। तो दूर कब जाएगा कोई भी चीज, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही तो है। एक बार डिविजिबिलिटी का बात करते हैं, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर ये टिपिकल गैप इतना रहता है और ये गैप इतना हो गया, इसका मतलब या तो न्यूमरेटर बहुत भाग गया है या डिनोमिनेटर बहुत भाग गया है। ठीक है, तो वो दोनों इवेंचुअली एक पॉइंट पे जाके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाँ, यही तो कहानी है। राइट। तो पे ट्रेडर क्या करता है, अगर न्यूमिनेटर भाग गया बहुत तो न्यूमिनेटर को बेचो और डिनोमिनेटर को ले लो, उल्टा जाओ न्यूमिनेटर में। राइट। और भागा और बेचो और डिनोमिनेटर को ले लो, क्योंकि माना यह जा रहा है कि न्यूमिनेटर तुम तो फालतू का भाग रहे हो, डिनोमिनेटर को क्यों छोड़ दियो। राइट। तो चांसेस है कि न्यूमिनेटर वापस थोड़ा नीचे आएगा या डिनोमिनेटर भी उसको फॉलो करने लग जाएगा। Right, हाँ? Right. तो जो बहुत ज्यादा भाग रहा है उसको बेचो। हाँ। और जो नहीं भाग पा रहा है, जो लगाड है, उसको खरीद लो। ओके। ये एक थॉट प्रोसेस है। ओके। दैट इज प्योर स्टैटिस्टिकल पेयर ट्रेडिंग। दूसरा थॉट प्रोसेस है रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो बोलता है कि जो भाग रहा है कोई ना कोई रीजन से भाग रहा है ना। हाँ, स्ट्रांग इसलिए तो भाग रहा है, उसको लो भैया। ओके। और जो नहीं भाग रहा है उसको बेचो। उल्टा थॉट है। ओके।
स्टेटिस्टिकल पे ट्रेडिंग बोलते हैं, मीन रिवर्सल है, इसका मतलब जो भाग रहा है वो गलत भाग रहा है, विकार में जो नहीं भाग पा रहा है हाँ। उसको क्यों हम सबड्यू रख रखे हैं, उसको भी लो हाँ। जैसे आईटीसी के लिए भी सबको बोलता है ना कि आईटीसी तो चला ही नहीं, हिंदुस्तान लीवर कितना चला गया, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो स्ट्रांग है उसको लो, मतलब आज भी मैं हिंदुस्तान लीवर लूंगा और आईटीसी बेचूंगा बिकॉज हिंदुस्तान लीवर स्ट्रांग है, तो कोई ना कोई रीजन है वाई वो स्ट्रांग है। तो आप किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? So honestly, because you've taught me relative strength, then I would want to go with relative strength. देखिए पहला वाला जो है ना वो हमारे और आपके बस का नहीं। हाँ। Because उसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा जिगरा। हाँ। क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, तेजी वाले स्टॉक को बेच रहे हैं, तो वो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं जो ये काम करते हैं। और उसको हर भाव में बेचना पड़ेगा, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। अगर हम लोग रिटेल इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो हम लोग को हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको लो और जो वीक स्टॉक है उसको बेचो। ओके।